वेलकम टू तृतीय मौत ब्लॉग्स। तो आज हम डाल रहे हैं आम का अचार। तो आम का आम को मैंने कल परसों मैंने अच्छे मेथी अब कलौंजी मसाला ज़्यादा बारीक नहीं करा है, इतना ही करना है। इतना दिक्कत आते हैं तो मिर्च जो है वो मैं ज़्यादा डालूंगी। सरसों का तेल तैयार होता है आपका। अगर आप इसे ढूंढने लगाएंगे तो ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं इसके। अचार के अंदर ये देखो, चेक करो, ये धुनी, ये यहाँ लगेगी धुनी। ये प्रोसेस रेयरली देखा होगा आपने किसी भी चैनल। ये इसके अंदर जाएंगे जी पूरे। ये देखो ये लगा दी हमने कैप और ये सारी वेलकम टू तृतीय मौत ब्लॉग्स। तो आज हम डाल रहे हैं, मैं डाल रही हूँ आज आम का अचार। तो आम का आम को मैंने कल परसों मैंने अच्छे से धो लिया था और मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है। ये सारे आम ये बिल्कुल भी इनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इनको बिल्कुल मैंने सुखा के रखा है, तभी अच्छा टिकेगा। उसके बाद अब मैं ये सौंफ भून रही हूँ और फिर मैं इसके बाद मेथी भूनूँगी, फिर कलौंजी और फिर दिखाते हैं आपको प्रोसीजर। ये हमने सौंफ भून ली अच्छे से, बस ये मैंने मेथी डाली है इसके अंदर भूनने के लिए। अब मैं इसे भी भूनूंगी। ये मैं डाल दी, पहले मैंने इसमें सौंफ डाली भून के, मेथी अब कलौंजी। अब इस मसाले को जो है हम अच्छे से ज़्यादा नहीं पीसेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे, दरदरा रखेंगे ताकि अचार में जो है वो खाने में अच्छा लगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना चाहिए इसे। ये लोग तो बाजार से बना बनाया मसाला लेके आते हैं, लेकिन मैं खुद ही बनाती हूँ इसको। ये मैंने मसाला ज़्यादा बारीक नहीं करा है, इतना ही करना है। ये कर दिया। इसके बाद ये हमें इसके लिए चाहिए हल्दी, कुटी लाल मिर्च जो दानेदार होती है, नमक, ये हींग और सरसों का तेल बीमार का। ठीक है जी, तो हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो मैंने ये मसाला बनाया है इसको मैं मिलाऊंगी। आम मेरे पास कम ही थे, 2 किलो आम का मैं अचार डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी, हींग आप ज्यादा डालें तभी टेस्ट आएगा इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च है, हम थोड़ा तीखा खाते हैं तो मिर्च जो है वो मैं ज़्यादा डालूंगी। नमक, सरसों का तेल, सरसों का तेल खुला डालें, कंजूसी ना करें। जितना तेल में आप अच्छा इसको भिगोएंगे वही आपका अचार जो अच्छा बन के निकलेगा। अब इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छे से, मिलाना है आपको कैसे मिलाना है। आम जो है वो पूरे इसमें मसाले में अच्छे से रख जाए।
आपने देखना है कि आपका जो आम है वो पूरे मसाले में अच्छे से भिगो जाए। आपने जो अचार डालना है वो भी आपका व्यायाम जो है, जो भी जार वगैरह है वो भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए, सुखाया हुआ कपड़े से पूरा। और अभी जो धूपें निकल रही हैं आप इसको थोड़े दिन धूप लगवाएंगे तो और अच्छा अचार तैयार होता है आपका। अगर आप इसे धूप नहीं लगवाएंगे तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ये अचार पूरे तरीके से मिल गया हमारा। अब मैं इसे भरूंगी इसी जार में और फिर हम इसमें लगाएंगे कोयले की धुनी। तो दिखाते हैं आपको जो है अच्छे से, मैंने देखिए अंदर से पूरा पूंछा हुआ है, साफ जार है बिल्कुल। अब मैं ये धीरे धीरे इसमें डालूंगी। एक मिनट, तो वो दूसरे में डाल लेंगे। आ जाएगा। मस्त लग रहा है मेरे को तो। ये देखा, देख रही है। तो गाइस जैसे कि ये तृप्ति ने आपको बताया, ये यहाँ पे कोयला हमारा गैस के ऊपर हो रहा है धुनी के लिए तैयार। तो ये देखो चेक करो आप, ये भी आपको धुनी वाला प्रोसेस दिखाते हैं पूरा आम के अचार के अंदर। ये हो रहा है हमारा धुनी के लिए तैयार अचार। तो इसमें जाएगी अभी धुनी अचार के अंदर। ये देखो चेक करो, ये धुनी, ये यहाँ लगेगी धुनी। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, ये क्या डालने लगा है, थोड़ा सा हींग इसी के ऊपर। ओए होए देखो जी, एकदम प्रॉपर देसी वाला स्टाइल आम के अचार को डालने के लिए। और ये देखो ये प्रोसेस रेयरली देखा होगा आप। ये जाएंगे पूरे फ्लेवर्स कोल के जो है ना, कोयले के अंदर पूरे चार के, ये इसके अंदर जाएंगे जी पूरे। ये देखो ये लगा दी हमने कैप और ये सारी धुनी जो है कोयले की इसके अंदर। तो ये प्रॉपर वाला तरीका चार डालने का आम का जार। ये देखो जी ये धुआं ही धुआं जार के अंदर। जो है वो इसका कोयले का जो है बहुत अच्छा सा स्मोकी सा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा अचार के अंदर। पूरा अंदर धुंधला धुंधला हो रहा है ये नीचे। ये देखो पूरा स्मोक, पूरी जो कोयले की वो है, ये देखो पूरी स्मोक इसके अंदर जा रही है। ये देखो चेक करो आप, जा रही है ना तृप्ति इस तरफ ज़्यादा है। ये यहाँ पे मस्त देख ले तू, अगर डन हो गया तो। इसको हटा दिया, ये कोयला हम बाहर निकाल देंगे और इसको हम बंद कर देंगे अच्छे से। अब इसको हमने कम से कम एक हफ्ते तक अच्छी सी धूप लगवानी है और बीच बीच में आपने इसको चलाते रहना है
आम के अचार को पलटते रहना है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ये बनके तैयार हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर, फिर हम आपको दिखाएंगे, तब भी चेक कराएंगे आपको। तो ये देखो गाइस, ये पूरा हो गया हमारा पैक, आम का अचार की रेसिपी आपको आज दे दी। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। लो जी, कुछ बोलना चाहते हो? आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।